बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज यूज ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ऑलरेडी हम जो है वो फार्मूला का यूज करते हुए आ रहे हैं। 1.5 एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की, 10th क्लास है, ये जनरल मैथमेटिक्स है और उसमें हमारा क्वेश्चन आता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला को वो कहते हैं सिंप्लीफाई कर, मुख्तसर हालत में लिखे, सादा तरीन हालत में लिखे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे और वो क्या है, हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। जस्ट पहला हम अक्सर ये सिंपल सा एक फार्मूला पढ़ते होते हैं कि a प्लस या a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और एक होता है माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को देखकर हमें एक साथ साथ में ये चीज भी बताता चलूं कि इन फर्स्ट टू फार्मूला से ही थर्ड एक फार्मूला बनता है कि अगर हम इन्हें प्लस कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये अगर प्लस किए जाते हैं तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 को कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूला मैंने बनाया। तो इसी तरह माइनस का अगर होता ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाते, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाते, तो 2ab और 2ab प्लस हो जाते तो वो 4ab बन जाता, ये हमारे पास एक और फार्मूला बनता। तो ये तो मैंने फार्मूला का बनाने का तरीका बताया, प्रूव किया, यहां पर ये फार्मूला ही यूज होता है। तो हमने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस फार्मूला को यहां पर पुट कर देना है कि क्योंकि दिस इज फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर, दैट इज वाई। तो ये हमने यू ही फार्मूला की तर्ज पर किया कि अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे तो वो इस तरह बनेगा और फार्मूला हमारे पास यू आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिस तरह इसमें 2 into ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी को यूज किया था, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को यूज किया तो हमारे पास 2 into एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो दिस इज द सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। थैंक यू। नाउ वी हैव अनदर पार्ट दैट इज 3x प्लस 9y होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9y होल स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 3x प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9y होल स्क्वायर, आई मीन 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। एक और क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करने है बिकॉज वी हैव अ प्लस साइन ओवर हियर सो वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम, हमने इन दोनों को ऐड करके फार्मूला निकाला। अब हमें को फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है 3x, सेकंड नंबर ये है 9y स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर है। हम ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर माइनस किया जाए, माइनस किया जाए यानी यहां पर माइनस लगा दिया जाए
इट विल बी इक्वल टू, तो यहां सारे साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab कैंसिल, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2ab और 2ab 4ab हो जाएंगे, और b और b कैंसिल, तो ये हो जाएगा, so 4ab के इक्वल हो जाएगा। तो हमने फार्मूला यहां पर अब ये यूज किया माइनस वाला, माइनस वाला फार्मूला यूज करने का मतलब है अब यहां पर भी हम माइनस करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर, ये क्योंकि सेम है फर्स्ट और सेकंड, इज इक्वल टू 4 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड, 4 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड, सिंपल इज दैट कि हम इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी जो इसके करेक्टर्स हैं, जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं, 4 3 इज 12, इसी तरह 9 3 इज 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 81, यानी 8 और 108 आ गया हमारे पास नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, 9 3s are 27, 27 4s are 108, और साथ आ गया x और आ गया y square, this is the simplest form, तो हम इसको ये कह देंगे हमारे पास ये इसका required answer आ गया, ये इसकी simple form है। उम्मीद है कि आप प्लस और माइनस के कंसेप्ट विद फार्मूला जो है समझ गए होंगे कि हमने कैसे फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को प्लस किया, तो हमारे पास एक फार्मूला बना उसको यूज किया, हमारे पास सिंपल फॉर्म बनी, फिर फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके हमने यूज किया और फिर ये उसकी हालत बनी और उसका हमने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, ये हमारे पास उसका यूज हुआ, तो हमारे पास आंसर इस तरह आ गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। Thank you.